नगर और मैं हूं लैला शाह। इलाकाई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में फिर किसान है सरापा एहतजाज। हुकूमत को एहसास दिलाने के लिए चक्कर में किसान सड़क पर आए तो ट्रैफिक ब्लॉक करने पर शहरी और मुजाहरीन आपस में झगड़ पड़े। पाकिस्तान किसान इतिहाद अपने मुतालबात के हक में पंजाब असेंबली के सामने है सरापा एहतजाज। पहले फुटहाथ पर और फिर माल रोड पर आ बैठे किसान अपने मुतालबात के लिए तो ट्रैफिक हो गई बंद। किसान मुजाहरीन का मुतालबा है खादों पर सेल्स टैक्स को खत्म किया जाए, बिजली के ट्यूबवेल के लिए टैरिफ कम किया जाए, जनाज की इमदादी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और बंजर जमीने आबाद करने वाले किसानों को तरजीह बुनियादों पर मालकाना हुकूक दिए जाए। यह भी मुतालबा है मुजाहरीन का। जरिए पॉलिसी में किसानों की मुशावरत यकीनी बनाई जाए, किसानों के मसाइल अपनी जगह, ट्रैफिक ब्लॉक से शहरियों को सामना है मुश्किल का। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो शहरी और किसान उलझ पड़े। इससे कबल भी दो रोज तक माल रोड पर किसानों के एक धड़े ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा। लाहौर से आजम बाजवा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है फैसल चौक माल रोड पर एक हफ्ते के दौरान जो है दूसरी बार पाकिस्तान किसान इतिहाद की जानिब से जो है वो अपने मुतालबात के हक में जो है इस्तेजाजी धरना दिया जा रहा है। आज सुबह से ही जो है पूरे पाकिस्तान से जो किसान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो फैसल चौक पंजाब असेंबली के सामने आने का सिलसिला उनका शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते इस वक्त जो है सैकड़ों की तादाद में जो है किसान अपने मुतालबात के हक में जो है पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और एहतजाजी धरना उन्होंने दे रखा है। और अभी तक जो है किसानों की आमद का जो सिलसिला है पंजाब और पाकिस्तान के दीगर इजलास से जो है वो जारी है और किसानों का ये कहना है कि हुकूमत ने जो है अभी तक इनके साथ जितने भी मुजाकरात किए हैं उन तमाम मुजाकरात के अंदर किसी किस्म की भी जो है वो इनको मरात नहीं दी और जो भी इनसे दावे और वादे इनके साथ किए गए थे उनमें से किसी को भी जो है वो पूरा नहीं किया गया। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए तो वो इस बार हुकूमत की जो मीठी गोली है वो किसी भी सूरत में वो नहीं खाएंगे और यहाँ से उस वक्त तक उठकर नहीं जाएंगे जब तक वो अपने मुतालबात जो है वो पूरे नहीं करवा लेते। और इनके जो मेन मुतालबात हैं इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ज़रई इजनास की नकलो हरकत के ऊपर जितनी भी टैक्सेस लगाए गए हैं उनको खत्म करे और खाद की जो कीमतें हैं उन्हें आलमी मंडी के बराबर लाया जाए क्योंकि पूरी दुनिया में जो खाद है वो उसकी बोरी की कीमत जो है वो इंतहाई सस्ती है जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 2000 के करीब जो है वो खाद की कीमत की बोरी की कीमत है जिसकी वजह से ये लोग इंतहाई परेशान होते हैं और उनके अखराजात जो है वो पूरे नहीं होते। जब ये ज़रई इजनास के ऊपर जो है वो अपने घर से जेब से पैसा लगाते हैं तो जब उस फसल को काटने का वक्त आता है टाइम आता है तो हुकूमत इनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं करती। जो सरकारी कीमत मुकर्रर की जाती है उस पर वो इनसे ज़रई अजनास जो है वो खरीदती भी नहीं है तो ये फिर इनको जो है वो मजबूरन जो है वो मिडिल मैन जो आम लोग हैं उनको वो ज़रई अजनास बेचना पड़ती है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खसारे में चले जाते हैं। इसी तरह इनका ये भी कहना है कि हुकूमत ने जो बिजली के बिल हैं वो भी इनके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ है। ट्यूबवेलों पे जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं उनके जो बकाया जाते हैं जो पिछले बिल हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और आइंदा से जो है 5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो है वो बिजली का बिल जो है वो मुकर्रर किया जाए। इसी तरह पिछले कुछ सालों पहले भी किसान बिरादरी की जानिब से जो है वो इसी हवाले से इत्तेजाज किया गया था तो फिर हुकूमत पंजाब और आईजी की जानिब से इन किसानों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ नोयत के जो है वो मुकदमात बनाए गए थे तो इनका ये भी मुतालबा है कि वो जो मुकदमात बनाए गए थे उन्हें फिल फौर खत्म किया जाए और इनको जो है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फ्राहम किया जाए ताकि ये भी जो है वो खुशहाल हो सके क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके घरों में इतनी गुर्बत है कि जब ये अपना ज़रई अजनास पैदा करने के लिए अखराजात करते हैं अपनी पॉकेट से करते हैं तो इन्हें उसके मुताबिक जो है वहां से कुछ भी हासिल नहीं होता तो जिसकी वजह से इन लोगों के घरों में जो है वो इस वक्त जो है वो फाकाकशी जो है वो जारी है। तो किसान बरादरी की जानिब से जो है माल रोड के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है और ट्रैफिक का निजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रैफिक का निजाम जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है क्योंकि माल रोड एक मेन रोड है जिसके ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स में तमाम हुकूमती अहदेदारान और आम बंदा जो है वो यहाँ से उसे गुजरना पड़ता है तो ताकि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। तो इस वजह से माल रोड बंद होने की वजह से जो है वो
लोगों को, आम आदमियों को बहुत ज्यादा परेशानी का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसी तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने फर्ज तो निभा रही है, लेकिन माल रोड बंद होने की वजह से इसके अतराब में जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी रोड हैं, उनके ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज्यादा शदीद दबाव देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब असेंबली का इस वक्त सेशन भी जारी है, तो इस हवाले से जो है कि ये किसान पंजाब असेंबली का रुख ना करें या कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, तो इसी हवाले से जो है पुलिस की भारी नफरी को तैनात करके तो इन किसानों को जो है वो एक जगह पे जो है वो एक मुकाम तक महदूद रखा हुआ है, ताकि कोई भी ना खुशगवार वाक्या जो है वो पेश ना आ सके। तो इसी तरह जो है शाम के टाइम पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो अहदेदारान हैं उनकी आमद का जो है वो भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो भी इन किसानों से आकर जो है वो इजहार यकजहती करेंगे। जी जी आज़िम बाजवा, ये बताइएगा कि अब तक जो मौजूदा सूरत हाल है, मुज़ाकराती टीम कोई हुकूमत की जानिब से आई है या नहीं आई, मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक तो हुकूमत की जानिब से किसी भी मुज़ाकराती टीम का जो है वो ना तो ऐलान किया गया है, ना इस तरह की कोई टीम बनाई गई है कि जो कि इन किसानों से आके मुज़ाकरात करे। अलबत्त किसान ये जिला और शिकवा जरूर कर रहे हैं कि इस पंजाब असेंबली के अंदर जो MPA बैठे हैं उनकी ज्यादातर तादाद जो है वो किसानों से है, उनका तल्लुक जो है किसान घरानों से है, मगर अफसोस की बात कि ये किसान बरादरी भी जो है वो ईवान के अंदर किसानों के हक में जो है वो कोई करारदाद पेश नहीं कर रही इनके। जी आज़िम बाजवा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े तो तकरार से शुरू ये मामला फायरिंग तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बच्चे आपस में लड़ पड़े और बड़े भी इसमें कूद पड़े, और इस लड़ाई में कूद पड़ने और आपस में तकरार शुरू हुई तो इसमें मुश्तेल खानदान ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी और 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। चांबाक होने वालों में 2 भाई और इनमें से एक की अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। वाके के बाद पुलिस और इमदादी कारकुनों की बड़ी तादाद मौका पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाके की तस्दीक करते हुए कहा कि पेश आने वाले वाके की बुनियाद बच्चों की लड़ाई थी। मरने वाले 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। शोरकोट के करीब मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में वैगन पुल से नीचे उलट गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जहां बहक हो गए जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया, जहां बहक होने वालों में तस्लीम रजा, गुलाम मुर्तजा, इरत रजा, मुनव्वर अली और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। जहां बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक फातेहपुर, जब से मुनव्वर अली का ताल्लुक शोरकोट से बताया जा रहा है। हादसे की इतला मिलते ही जंग से डॉक्टर तारिक सईद अपनी इमदादी टीमों के हमरा शोरकोट पहुंच गए और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीरे मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कहा है कि नून लीग की सियासत अवामी खिदमत है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत नाच गानों के सिवा कुछ नहीं है। एक घिनौनी साजिश के जरिए इमदादी मुल्क और कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है, इमरान खान खुद भी इंतशार फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और लेकिन कौम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। ये बातें उन्होंने सिटी काउंसिल उनासी जुल्फिकार कॉलोनी में बिजली की फरामी के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कही, और बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आबिद शेर अली ने, हमने अवाम से जो वादे पूरे किए थे उन्हें बतरजी पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा क्यादत मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान से छुटकारा दिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है और प्रोजेक्ट्स पर भी अमल पैरा है, खसूसन इकतसादी शोबे की तरक्की के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तरक्याती मनसूबों का आगाज किया गया है और खासतौर पर कम तरक्याती इलाकों की खुशहाली पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कौमी इतिहाद और मिली यकजहती की है, हमें अपने जाती मुफादात से बालतर होकर कौमी मुफादात को अवलीन तरजीह देना होगी। और डेरा इस्माइल खान में आपको बताएं, SHO कैंट मोहम्मद अदनान ने दहशतगर्दों की तरफ से सेंट्रल जेल डेरा पर 2013 में हमला के दौरान फरार होने वाले
दोहरे कत्ल केस के इश्तियारी मुलजिम महबूब को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड यासिर अफरीदी की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना कैंट मोहम्मद अदनान ने पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करके 2013 में दहशतगर्दों की तरफ से सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान पर हमला के दौरान जेल से फरार होने वाले इश्तियारी मुलजिम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया। मस्कूरा इश्तियारी मुलजिम सेंट्रल जेल में दोहरे कत्ल केस में गिरफ्तार था। अवामी हलकों ने खतरनाक इश्तियारी मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ यासिर अफरीदी और एसएचओ कैंट मोहम्मद अदनान को खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से कर दिया गया है। 8 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। कायम मकाम डीसीओ मंजर अली जावेद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 2036 पोलियो टीमें तश्कील दी गई जो बच्चों को घर घर जाकर शहर की दीगर जगहों पर स्टॉल लगाकर कतरे पिलाएंगी। इस मौके पर तकरीब से डीसीओ मुल्तान का कहना था कि पाकिस्तान को फ्री पोलियो मुल्क बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द इस मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तनख्वाह न मिलने पर ओपीडी को बंद कर दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि 2 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। पिछले 6 माह से यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। जबकि एमएस सोलन का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिए यंग डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। दूसरी जानब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि 7 माह हो चुके हैं, कभी हमारी तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तो हमने सिर्फ ओपीडी को बंद किया है। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इन दौड़ को भी बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना हो लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अपने एहतजाज को वसी करें। हमारा मुतालबा है कि हमारी 2 माह की तनख्वाहें हमें फौरी तौर पर टाइम पे वापस की जाएं। डॉक्टरों की तनख्वाहों के मामला जो हैं, जो इनको मसाई पेश आ रहे थे वो आज के नहीं है। ये पिछले 6 महीने से इन्होंने वतीरा बनाया हुआ है कि डॉक्टर पीजीआर और एचओ स्पेशली, ये दो जो कैटेगरीज हैं इनको पे 15 को, 16 को, कभी 18 को, कभी 20 को ट्रांसफ़र की जाते थे। हमने इंतजामिया से बारहा कहा कि इस मामले को हल किया जाए और हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक ना किया जाए, हमें तनख्वाह टाइम पे दी जाए। ये बहाना लगाया जा रहा है कि बजट हमारे पास है ही नहीं और 2 महीनों की तनख्वाह हम आपको नहीं दे सकते। हमने पहले बहुत पुरसकून और पुरअमन एहतजाज किया, काली पट्टियां बांध के एहतजाज किया, 1-1 घंटे ओपीडी के बाहर हम खड़े रहे कि हमारे मुतालबा तस्लीम किए जाएँ लेकिन इनके ऊपर कोई असर, हम मजबूर हो के, हम नहीं चाहते ये गरीब मरीज जो हैं इनका नुकसान हो लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि अब हम हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इन्होंने बल्कि हमारे पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अगर अभी भी हमारे मुतालबा तक तस्लीम नहीं होते, हमारे हमें पेस ट्रांसफ़र नहीं की जाती तो अभी आज हमने ओपीडी बंद किया, आगे हम अपना दायरा और भी वसी कर सकते हैं और इंडोर तक भी हम जाएंगे। डॉक्टर शाहिद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन में पीएमए की हड़ताल। जिला भर के सरकारी निजी अस्पताल एहतजाजन बंद कर दिए गए। नामालूम मुलजिमान ने 2 माह कबल डॉक्टर शाहिद को उनके निजी क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस कातिलों और सहूलतकारों को गिरफ्तार ना कर सकी। डीएचक्यू अस्पताल में पीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले ही सदर डॉक्टर तारिक का कहना था कि पुलिस मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी और अदम तावन कर रही है। बाद में डॉक्टरों ने एमएस ब्लॉक से इमरजेंसी तक एहतजाजी रैली भी निकाली, शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे। और अब आपको बताएं खवातीन के